हेलो, तो दिस इज अ डिस्क्लेमर फॉर द अपकमिंग वीडियो। वीडियो में कुछ डिस्टर्बिंग चीजें हैं एंड इफ यू आर अंडर 18 देन प्लीज डू नॉट वॉच दिस वीडियो। नाउ लेट्स मूव ऑन विथ कलरिंग थ्री ऑफ द मोस्ट डिस्टर्बिंग पैनल्स फ्रॉम बजाक। लेट्स गो। तो देखो, द वे आई एम गोइंग टू कलर इज फ्रॉम द लीस्ट डिस्टर्बिंग टू द मोस्ट डिस्टर्बिंग पैनल। एंड आई थिंक कि जो लीस्ट डिस्टर्बिंग है वो ये पैनल है। एंड आई नो फ्रॉम एनी एंगल दिस डजंट लुक्स लाइक द लीस्ट डिस्टर्बिंग पैनल, बट वेट फॉर द वीडियो। वीडियो के आगे जाके आपको पता चलेगा कि डिस्टर्बिंग पैनल एक्चुअल में होती क्या है। तो दिस पैनल विल टेक टाइम टू कलर बिकॉज देर आर वेरी मेनी एलिमेंट्स इन दिस पिक्चर। लाइक मेनी फोकस एक ही जगह पे, बट देर आर मेनी एलिमेंट्स इन दिस पिक्चर। सो विल स्टार्ट विद आवर कैस्का दीदी। उनकी स्किन को पहले कलर करेंगे हम, उसके बाद वी कैन ऐड ऑल द डिफरेंट कलर्स ऑन ऑल द डिफरेंट एलिमेंट्स, जो भी इसमें चीज़ें हैं, यू नो, हाथ दिस एंड दैट, उंगलियाँ मुँह के अंदर एंड एवरीथिंग। तो लेट्स गो। सारे पैनल्स के पीछे एक स्टोरी है, और इस पैनल के पीछे की जो स्टोरी है वो है कि दिस इज हैपनिंग आफ्टर द गॉड हैंड मीटिंग। जब ग्रिफिथ हाँ करता है फॉर ऑल द पावर्स, तब अटैक होती है सबके ऊपर, इवन गट्स, कैस्का एंड एवरीवन इन द ग्रुप। एंड दिस इज व्हाट हैपेंस टू कैस्का बिकॉज शी इज द ओनली वुमन इन द ग्रुप, एंड दे स्टार्ट अटैकिंग हर बाई सेइंग वुमन सैक्रिफाइस, एंड दे स्टार्ट रिपिंग हर क्लोथ्स ऑफ। This is how the first panel turned out, और मुझे इतना अजीब लग रहा ना अभी इसको देखते हुए भाई। ब्लैक एंड व्हाइट में तो ठीक भी थी, कलर में और अजीब लग रही है। तो नाउ लेट्स मूव ऑन विद द सेकंड पैनल, एंड द सेकंड पैनल इज द मोस्ट फेमस पैनल फ्रॉम बर्सर्क मांगा बिकॉज दिस इज फ्रॉम द रेप सीन ऑफ कैस्का। एंड लेट्स गो एंड लेट्स होप कि कोई दिक्कत ना हो इस वीडियो के बाद। सो लेट्स गो। So this is the panel I'm talking about. This is the famous rape scene from Berserk manga. So chalo isko bhi color karte hain. Let's see what I do with this. Let's go. तो एज यूजल हम गोइंग टू स्टार्ट विथ आवर कैस्का दीदी। उन पर सारी डिटेल्स ऐड करेंगे, स्किन कलर से लेकर शेडोज, इफेक्ट्स, दिस एंड दैट, सारी चीज़ें। उसके बाद हम अपनी ग्रिफिथ की तरफ बढ़ेंगे। तो जैसे कि मैंने कहा था कि एवरी पैनल हैज़ ए स्टोरी बिहाइंड इट, सो द स्टोरी बिहाइंड दिस पैनल इज वेरी ऑब्वियस दैट ग्रिफिथ इज डूइंग समथिंग विद कैस्का। बट क्यों? लोगों ने ये तो सुना है ऑनलाइन कि या ही डिड समथिंग विद हर, बट क्यों, क्या ये किसी को नहीं पता। ग्रिफिथ एंड कैस्का वर लाइक वेरी गुड फ्रेंड्स हम कह सकते हैं। ये दोनों टीम मेंबर थे, काफ़ी टाइम से साथ में थे, एंड आई थिंक कैस्का हैड अ क्रश ऑन ग्रिफिथ। क्रश कह सकते हैं, प्यार कह सकते हैं, जो भी को। एट द एंड शी एंड्स अप with our guts bhai sahab, and reason is not what you think, it's not the jealousy of Griffith from guts, ye jealousy nahi thi that Kaska went with guts, it's something to do with ego thing, because ya fir revenge bhi keh sakte hain, but revenge is not the correct word here. Basically he said in one of the panels that guts was the only person who made him forget his dream. So he wanted to take away everything from guts at that point. और उसके पास एक ही चीज़ थी भाई, जो कि थी कैस्का, and he did this to her in front of him. I mean this is basic human nature, अगर मैं सच कहूँ तो। I mean not sexually assaulting someone, but if you see the message behind it, like we can do anything to take revenge or satisfy our ego, and this is the perfect representation of that. So hamari basic coloring to ho gayi hai of Kaska and Griffith. Now I have to add background and some details. I'm thinking of adding something smoky in the front. Let's see how it turns out, and I'll see you at the end of this artwork. So let's go. Thank you.
So this is how one of the most famous panels from Berserk manga turns out. And I feel sick, bhai. मतलब मुझे छुपा छुपा के करनी पड़ रही थी. Now it's time for the most disturbing panel from Berserk manga. Literally इससे पहले जो मैंने अभी कलर करे दो पैनल उससे मैं used to हो गया हूँ थोड़ा बहुत. But इस पैनल को मैं जितने बार भी देखूँ it haunts me every time. So ज़्यादा suspense create नहीं करते हैं. Let's move on to our last and most disturbing panel. Look at this panel, भाई. कोई इंसान कैसे बना सकता है ऐसे panels को? But हमारा तो एक ही काम है. हम इसको भी color करेंगे छुपा के बहुत ही ध्यान से. सो लेट्स स्टार्ट आवर पेंटिंग एंड लेट्स होप कोई मुझे देखे ना. देखो मैं नहीं बताने वाला कि मैं इस पैनल में कर क्या रहा हूँ. वो लोग आप देख सकते हो. आई जस्ट टेल यू द स्टोरी बिहाइंड दिस पैनल विच इज. जो आप लड़की देख रहे हो एट द ग्राउंड शी इज एक्चुअली अ कमांडर ऑफ एन आर्मी. और ये यहाँ पे अपने आर्मी के साथ गट्स को मारने आई थी और उन्होंने कब्जा भी कर लिया था गट्स के ऊपर. बट गट्स वहाँ से भाग गया एंड टेकिंग दिस गर्ल एज अ हॉस्टेज ताकि उसके ऊपर कोई अटैक ना करे. ऑल ऑफ अ सडन अ लॉट ऑफ इविल स्पिरिट्स स्टार्ट्स हंटिंग गट्स. और उनके साथ ये मोहतरमा भी थी. एंड वी ऑल नो व्हाट इविल स्पिरिट्स डू टू वुमेन इन दिस मांगा जो कि हमने देख लिया इन द फर्स्ट पैनल. एंड वन ऑफ द इविल स्पिरिट पजेस अ हॉर्स जिसके बाद वी कैन सी दिस मांगा पैनल. So this is the coloring of the top 3 most disturbing panels from Berserk and I hope ki maine justify kiya in manga panels ko and I hope you like the video and if you like the video then like bhi kar do yaar. Aise man mein thodi hoti hai cheez like bhi kar do and I'll see you in the next one. If you have any ideas aap mujhe bata sakte ho and for those who think what is behind me I have a couple of my artworks jo ki maine laminate karke rakhi hai and I think it is looking pretty sick. The quality of the artworks are amazing. Jaise ki maine kaha tha I'm planning on selling these artworks and if you are interested you can DM me on my Instagram for any artwork. That's it. I'll see you in the next one. Till then, peace. तेरे हुड में तुझसे ज्यादा मेरे भाई हैं. कटे करे लोड तेरे टटे करे शार्ड मेरे मथे ना तू हो ना ही हथे चढ़ो.